हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में, ठीक है ना। टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या क्या होता है, कौन कौन से इसमें एड्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चों इसमें हम लोग बात करेंगे हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम का मतलब होता है किसी लीफ को या किसी प्लांट को लेके उसको एक महीने या दो महीने या तीन महीने तक उसको सुखाया जाता है किसी मोटे से कॉपी के अंदर, पेज के अंदर रख के, फिर उसको निकालने के बाद से बच्चों एक हर्बेरियम का फाइल आता है, उसमें उसको चिपका दिया जाता है और हमारा हर्बेरियम बन के तैयार हो जाता है। जहाँ से आप लिए उसका नाम, फिर कैसे कलेक्ट किए हैं, कहाँ से कलेक्ट किए हैं, सब उसका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्क्रिप्शन करके उसको लिख देंगे। उसके बाद से आता है बच्चों बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन क्या क्या होता है, हम लोग दूसरे नंबर इसको बात करेंगे। जूलॉजिकल पार्क कहाँ कहाँ है, क्या क्या है, कहाँ कैसे कैसे है, सब हम लोग पढ़ेंगे। म्यूज़ियम के बारे में पढ़ेंगे, की के बारे में पढ़ेंगे, फिर फ्लोरा और फौना के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैनुअल पढ़ेंगे, फिर मोनोग्राफ्स और उसके बाद से कैटलॉगस। इसके बारे में पढ़ने के बाद से ये आपका जो चैप्टर है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है बच्चों, इट इज़ अ स्टोर हाउस रिपोजिटरी ऑफ प्लांट स्पेसिमेन दैट आर द ड्राइड पॉस्ट एंड प्रिजर्व ऑन सीट एंड आर अरेंज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन। जैसे बच्चों कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक लीफ को या एक प्लांट को, छोटा सा प्लांट को लिया जाता है, उसको सुखाया जाता है और उसको किसी चीज़ के अंदर, किसी सीट के अंदर, यानी पेज या मान लीजिए मोटी सी कोई कॉपी है या कोई मोटा बुक है, उसके अंदर उसको रख के उस प्लांट को प्रिजर्व करके उसको सुखाया जाता है, उसको वहाँ पे रखा जाता है कुछ दिनों तक और उसके बाद से फिर उसको निकाल के उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है और उसको चिपका के हर्बेरियम में दिखाया जाता है। हर्बेरियम सीड आर लेबल्ड विद इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। यानी हर्बेरियम प्रोसेस में क्या किया जाता है, कौन से डेट से आप लिए हैं, किस डेट में लिए हैं, उसको कौन से डेट से कलेक्शन किए हैं, कहाँ से कलेक्शन किए हैं, इस सब के बारे में लिखा जाता है। इंग्लिश में लिख सकते हैं, लोकल उसका बोटैनिकल नेम लिख सकते हैं, फैमिली कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, फिर कलेक्टर नेम यानी कि कहाँ से आप, कौन उसको निकाल के लाया है, उसका भी नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से आप एक प्रकार के छोटे मोटे साइंटिस्ट बन जाएंगे, अगर नया कोई पौधा अगर आप पा गए तो, ठीक है, उसका अपना नाम भी दिया जा सकता है अगर उसका खोज नहीं हुआ है तो। जस्ट बच्चों इसके बाद से हम लोग बात करेंगे बोटैनिकल गार्डन के बारे में। तो यहाँ पर समझिए बोटैनिकल गार्डन क्या होता है। दीज आर, ध्यान समझिएगा, दीज आर स्पेशलाइज्ड गार्डन, ठीक है, दीज आर स्पेशलाइज्ड गार्डन हैविंग कलेक्शन ऑफ द लिविंग प्लांट फॉर द डिफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन। मतलब कि ये एक प्रकार का गार्डन होता है जहाँ पे बच्चों हम लोग कलेक्ट करके लिविंग प्लांट को रखते हैं और उसको आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहचानते हैं कि क्या है, कहाँ से आया है। ईच प्लांट इज लेबल्ड विद द बोटैनिकल नेम एंड फैमिली। उनका बोटैनिकल नेम और उसका फैमिली जरूर लिख दिया जाता है इसमें। फेमस बोटैनिकल गार्डन कहाँ कहाँ है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, रॉयल बोटैनिकल गार्डन इंग्लैंड में है, इंडियन बोटैनिकल गार्डन हावड़ा में है, हावड़ा जिसको वेस्ट बंगाल में आप देख सकते हैं, कोलकाता जिसको कहा जाता है इंडिया में, ठीक है। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है बच्चों, तो ये लखनऊ है, अपना खुद का लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये सब गार्डन है बच्चों, जो बोटैनिकल गार्डन था। इसके जस्ट बाद से बच्चों हम लोग टैक्सोनॉमिक एड्स यानी बायोलॉजिकल म्यूजियम के बारे में जानेंगे। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल। यहाँ पे एनिमल और प्लांट को प्रिजर्व करके यहाँ पर ला के उसको स्टडी के लिए उसको रखा जाता है बच्चों। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन सभी एनिमल को रखा गया है, इधर सभी प्लांट को ला के चिपका दिया गया है, यहाँ पर रख दिया गया है, जिसको बच्चों म्यूजियम कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग आएंगे, जब स्कूल में आप लोग जाएंगे तो बहुत सारे स्कूलों में लैब होते हैं, लैब के अंदर बच्चों ये सभी म्यूज़ियम को दिखाया जाता है आप लोगों को, किस चीज़ का म्यूज़ियम है, कहाँ से आया, कौन सा एनिमल है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सब चीज़ें आपको बताई जाती हैं। इसके जस्ट बाद से बच्चों देखिए अ म्यूज़ियम कंटेंट क्या क्या म्यूज़ियम के अंदर होता है। देखिए इस स्पेसिमेन प्रिजर्व इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन इन कंटेंट और जार। एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन को लेने के बाद एक फार्मिलिन होता है बच्चों, फार्मिलिन एक लिक्विड होता है, उसी लिक्विड के अंदर किसी भी एनिमल को रखा जाता है ताकि वो सड़ ना पाए, ठीक है। उसके बाद से प्लांट अगर है बच्चों तो उसको सुखा के
प्लांट को, एनिमल भी होते हैं उसमें, क्या किया जाता है उनको एक प्रकार का हर्बेरियम, प्लांट है तो हर्बेरियम में रखा जाएगा, और अगर एनिमल है तो उसको एक लिक्विड यानी जो कि मैंने बताया फार्मेलिन जो होता है उसके अंदर इसको रखा जाता है। इंसेक्ट प्रिजर्व्ड इंसेक्ट बॉक्स, इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है आफ्टर कलेक्टिंग किलिंग एंड पिनिंग, उनको मारने और उनको पिनिंग करने के बाद से। स्टफ लार्जर एनिमल लाइक बर्ड एंड मैमल्स, देखिए बड़े बड़े जगहों पे जो भी स्टफ एक बना दिया जाता है, बड़ा सा एक जगह बना दिया जाता है, वहाँ पे छोटे 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 बर्ड्स को रखा जाता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ एनिमल्स स्केलेटन, और एनिमल का जो हड्डी होता है, स्केलेटन होता है, बोन होता है, उनको भी लेके हम लोग प्रिजर्व करके देखने के लिए रख देते हैं। ये सब बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल म्यूजियम के अंदर, ठीक है। आप यहाँ पे गोरखपुर भी चले जाएंगे, वहाँ भी आपको बायोलॉजिकल म्यूजियम मिल जाएगा, DDU में आप लोग चले जाएंगे तो। अब देखिए, अब हम लोग जूलॉजिकल पार्ट यानी जू, चिड़ियाघर आप लोग जानते ही हैं, चिड़ियाघर बनाया जाता है जानवरों को रहने के लिए, उनको अच्छा वास स्थान देने के लिए, ठीक है। देखिए, और काफ़ी लोग उससे जाके बहुत कुछ सीखते भी हैं, सब वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बाहर की ओर लिखा रहता है, वो सब लिख के बच्चों सीखना चाहिए, ठीक है। देखिए, दीज आर अ प्लेस वेयर लीव वाइल्ड एनिमल, ये ऐसा जगह होता है अब जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, आर केप्ड प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर, मनुष्य के केयर के अनुसार से उसको रखा जाता है, किस तरह से उसको खाना देना है, कब देना है, इस प्रकार से उसको हम लोग एक चिड़ियाघर में रखते हैं। इट हेल्प टू लर्न, ये हमको सीखने को मिलता है अबाउट द फूड हैबिट एंड बिहेवियर, यानी जानवरों के बिहेवियर के बारे में, कैसे बिहेवियर है उन लोगों का, क्या खाते हैं, क्या कहाँ रहते हैं, इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से पता कर सकते हैं। आप चिड़ियाघर गए होंगे तो इस प्रकार से हिरण को देखे होंगे, शेर को देखे होंगे, चीता देखे होंगे, ये जितने भी एनिमल है बच्चों इन सबको आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप तो आपका बच्चों यहाँ पर अभी आ गया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, गोरखपुर में, गोरखपुर में चिड़ियाघर बन गया है, वहाँ भी आप जाके घूम के देख सकते हैं। लखनऊ चिड़ियाघर है, दिल्ली चिड़ियाघर है, वहाँ पे इन सभी जगहों पे जाके आप वहाँ पे देख के उसके बारे में कुछ सीख सकते हैं कि कहाँ से ये आया, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसको खोज करने वाला साइंटिस्ट कौन है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं जू के द्वारा यानी चिड़ियाघर के द्वारा। बच्चों की क्या होता है बच्चों, तो ध्यान समझिए कि इट इज़ अ एनालिटिकल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज़, इसके इसमें क्या है बच्चों, हम लोग समानता तथा असमानता के आधार पे हम लोग जानवरों को, छोटे छोटे जानवरों को या बड़े बड़े जानवरों को हम लोग पहचान के उसको हम लोग अलग अलग रख सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कॉपलेट, ठीक है ना, यानी कि इनको हम लोग पेयर में भी रख सकते हैं, इनके कैरेक्टर के अनुसार इनका लक्षण कौन कौन सा है, एक लक्षण वाले जीव को एक के सामने रखेंगे, जैसे कि मान लीजिए मांसाहारी जीव को मांसाहारी जीव में रखा जाएगा, शाकाहारी जीव को शाकाहारी जीव के अंदर रखा जाएगा, नहीं तो अगर ऐसा हो गया मांसाहारी शाकाहारी जीव को एक ही साथ रख दिया जाए तो मांसाहारी वाले क्या करेंगे, शाकाहारी वाले को मार देंगे, तो ऐसा नहीं होने दिया जाता है, उन लोग को सेपरेट कर दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है। ईच कॉपलेट हैज़ टू अपोजिट ऑप्शन, इनके पास दो दो ऑप्शन होता है बच्चों, वन इज ओनली रिलेवेंट ऑप्शन इज एक्सेप्टेड एंड अदर इज रिजेक्टेड, या तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा या तो वो रिजेक्ट कर देगा, यानी किसी अगर आप बिहेवियर में उसको रखेंगे तो उस बिहेवियर में वो या तो ढल जाएगा या नहीं ढल पाएगा, ठीक है ना, या और भी एनिमल्स होते हैं, एनिमल को हम लोग अलग अलग करके इसमें रखेंगे। इच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड, सभी इस स्टेटमेंट जो की होते हैं, जो की के स्टेटमेंट होते हैं उसको हम लोग बच्चों लीड कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ड्राई स्किन नो, इसके में ड्राई स्किन नहीं है, और यहाँ पे आप देखेंगे हेयर यस, यहाँ पे सभी यहाँ पे हेयर पाया जाएगा और कुछ एनिमल्स के अंदर, अब इसमें देखेंगे तो नहीं होगा, इसमें इन सभी अंदर होगा यहाँ पे, ठीक है, हेयर मतलब बाल, ठीक है, इसके ऊपर भी होगा, गोरिल्ला के अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर भी होगा, ठीक है बच्चों। बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, इन सब चीज़ों को याद रखिएगा बच्चों। उसके बाद से की में यहाँ भी आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव सेल वाले कितने, ग्राम नेगेटिव सेल वाले कितने होते हैं, ग्राम नेगेटिव में कौन कौन से एनिमल आते हैं, रॉड शेप सेल कौन कौन से आते हैं, यानी कि छड़नुमा जो कोशिका वाले जो होते हैं वो कितने होते हैं, नॉन रॉड शेप सेल कौन से आते हैं, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, सब यहाँ पे आपको दिया है, कोकी बैक्टीरिया, ठीक है, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, ये सभी होते हैं। कोकी का मतलब होता है बच्चों गोल बैक्टीरिया, प्लियोमॉर्फिक मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो अपने सभी प्रकार के जितने भी एनिमल जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सभी शेप को हो सकते हैं, मतलब प्लियोमॉर्फिक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपने शेप को हमेशा चेंज करते रहते हैं, ठीक है। कैन टॉलरेट ऑक्सीजन, कैन नॉट टॉलरेट ऑक्सीजन, इन सभी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखना उतना ज़रूरी नहीं है बच्चों, बट इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा थोड़ा आप लोग। ये एक तरह का की होता है, जैसे ग्राम पॉजिटिव सेल में इसमें नहीं होगा रॉड सेप में, और ग्राम जो पॉजिटिव सेल्स होते हैं इनके अंदर इसके अंदर होंगे, इसके अंदर कोकी अंदर नहीं होंगे, लेकिन इनके अंदर ऑक्सीजन होगा,
यहाँ पे देखें ऑब्लिगेट नहीं होंगे। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि एक जो अगर मान लीजिए कहा जाए कि एक ही इंसान पे ये रह सकता है, दूसरे पे नहीं जा सकता है। ऑब्लिगेट का मतलब होता है पर पैरासाइट यानी परजीवी कहा जाएगा, हमारे ऊपर वो रह सकता है। एक होता है फर्मेंट लोकेटरी, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, जो कि आगे इसके बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे, एक एक के बारे में डिटेल से जानेंगे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, इसको लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से बच्चों हम लोग आप बात करेंगे फ्लोरा मैनुअल मैनोग्राफ एंड कैटलॉग। देखिए बच्चों इसमें क्या है, फ्लोरा ऑफ पैन हिमालय। फ्लोरा क्या है, द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज ऑफ अ गिवन एरिया, इसको हम लोग कहेंगे फ्लोरा। मैनुअल क्या है, द रिकॉर्ड दैट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम स्पीसीज फाउंड इन एरिया, उस एरिया में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग रखेंगे, उसको हम लोग कहेंगे बच्चों मैनुअल। अब देखिए मोनोग्राफ क्या होता है, द रिकॉर्ड दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ द एनी ऑफ टैक्सॉन, किसी भी वर्गी की वो अगर रखेगा तो उसको हम लोग मोनोग्राफ कहेंगे। कैटलॉग क्या होता है बच्चों, इट इज़ एन अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ स्पीसीज, ये स्पीसीज का एक अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट होता है, इस बात को सभी लोग याद रखिएगा। इस प्रकार से बच्चों हम लोग देखेंगे तो ये चैप्टर आप लोगों का पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम लोग कल बात करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।